अब रुख करते हैं खबरों का। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के 9 शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, खंडवा और खरगोन में भी हीट वेव का जो है अलर्ट जारी किया गया है। पारा रिकॉर्ड 44.8 डिग्री दर्ज किया गया, यानी कि दमोह सबसे ज्यादा गर्म रहा। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। नौगांव, गुना, खंडवा, टीकमगढ़ और शिवपुरी में पारा 43 डिग्री रहा। कुछ जिलों में बादल और आंधी चलने की भी संभावना है। मंगलवार को भोपाल में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। भोपाल में टेम्परेचर 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी कि भोपाल में भी कुछ कम गर्मी नहीं है। और अब मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से यह आशंका जताई जा रही कि आने वाले वक्त में हीट वेव भी चल सकती है और मौसम में बदलाव भी दर्ज किया जा सकता है। तो मौसम की जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर 44 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दमोह सबसे ज्यादा गर्म रहा। 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दमोह में दर्ज किया गया। और अब आपको बताते हैं कि बड़े शहरों में तापमान कितना रहा। तो भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इंदौर में 40.5 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। जबलपुर की संस्कारधानी की बात करें 42.1 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन में 42.05 डिग्री सेल्सियस, तो दमोह में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान था। शिवपुरी में 43 डिग्री और विदिशा में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान था। यानी कि आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो दमोह सबसे ज्यादा 44.8 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म रहा। हालांकि प्रदेश के और भी ऐसे हिस्से हैं जहां पर तापमान बहुत ज्यादा देखने को मिला, जैसे कि शिवपुरी 43 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया था। और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से आशंका जताई गई है कि हीट वेव भी चल सकती है। लू का अलर्ट भी जारी किया है। अब कुछ वक्त पहले भी यहां पर मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। तो मौसम को लेकर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी मयंक ने मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। भोपाल शहर में तापमान अब 40 डिग्री को पार कर चुका है और गर्मी भी भीषण पड़ रही है। सभी जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आगे क्या कुछ गर्मी को लेकर रहेगा। अभिजीत जी हैं, उनसे बताएंगे। सर आगे अभी तो सभी जगह तापमान 40 पार पहुंच चुका है, अब आगे वाले दिनों में कैसी गर्मी रहेगी? हाँ, जैसे कि आपने बताया 40 पार सभी जगह है और आने वाले दो दिन में प्रमुखता जो वेस्ट एमपी है वहाँ पर अभी गर्मी बनी रहेगी, 40 के ऊपर ही रहेगा। और ईस्ट एमपी में थोड़ी रेनफॉल एक्टिविटी जैसे कि आपके जो छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट में मिला है और आगे भी इसकी संभावना बनी हुई है अनूपपुर, शहडोल तक तरफ, तो यहाँ पर भी आपके जो एरिया 40 के आसपास बने रहेंगे। बट जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर जो आपका छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इस एरिया में टेम्परेचर, नौगांव, दमोह, ये सब जगह पर टेम्परेचर अभी भी मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर जा रहा है। कल जो है दमोह में 44.8 डिग्री दर्ज किया गया है, ये प्रदेश का मतलब जो है सिनॉप्टिक अभी तक का सबसे ज़्यादा है। तो ये अभी आने वाले दो दिन तक बना रहेगा। इसके बाद ये जो रेनफॉल के हम लोग बता रहे हैं कि आने वाले दो दिन बाद जो रेनफॉल एक्टिविटी प्रदेश भर में बढ़ेंगी, इसके कारण उसके बाद जाके थोड़ी सी टेम्परेचर में 1-2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में अभी और बूंदाबांदी आपको लगता है, दो दिन बाद, चार बार? अगले दो दिन तक तो वेस्ट एमपी में टेम्परेचर मोर और लेस ऐसे ही बने रहेंगे और दो दिन बाद जब हम लोग रेनफॉल की संभावना बता रहे हैं, जब रेनफॉल होना शुरू हो जाएगा उस दौरान जो है टेम्परेचर 1-2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। सर गर्म हवाएं भी चलने लगी हैं, हीट वेव, उसको लेके क्या कहेंगे? हाँ, कुछ एक जगह है जैसे कि आपने वेस्ट एमपी में खंडवा, खरगोन इस एरिया में और ईस्ट एमपी में जो आपका दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी इस एरिया में जो भी हीट वेव जो आने वाले तीन दिन तक हम लोग संभावना मतलब होने चलने की संभावना है, ये हमने बताया हुआ है। आने वाले तीन दिन और जिस दिन हीट वेव चलेगी और कम से कम दो दिन बाद बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो आने वाले वक्त में और हीट वेव चल सकती है और तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है, और जैसे जैसे तापमान